मेरे घर में ना एक अचार बनता है जिसको हम लोग सुबह बनाते हैं और शाम को वो तैयार हो जाता है खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये जो सीज़न के खीरा ककड़ी वगैरह आते हैं इससे ही बनता है। तो 4-5 खीरा ले लेंगे, थोड़े से आम ले लेंगे। आम एकदम कच्चे होने चाहिए और इनको हम छीलने के बाद कद्दूकस कर लेंगे। और इसमें हम लोग चना वगैरह भी डालते हैं। ये अचार सुबह बनता है और शाम तक चना फूल जाता है, अचार तैयार हो जाता है। जो ग्रेटर का मोटा वाला साइड होता है उससे हम आम को कद्दूकस कर लेंगे। और लाल वाला चना लेंगे, ये बिल्कुल सूखा चना है, अभी ये फूला भी नहीं है, इसको मैंने धोया भी नहीं है। तो इसको अच्छे से कपड़े से रगड़ के हम अचार में डाल देंगे कि इसका गंदा एकदम साफ़ हो जाए। और आप देखिएगा कि ये जो चना है ना, ये आम के रस से ही फूल जाएगा। और आम का जो हमने गूदा निकाला है घस के, इसको हम लोग कूचा कहते हैं यहाँ बनारस में। तो कूचा में हम नमक और हल्दी को लगा लेंगे, अच्छे से हाथ से पूरा मिक्स करेंगे। और ये अंदाज से ही हम लोग बनाते हैं क्योंकि ये अचार हम पूरे साल के लिए नहीं रखते हैं, ये थोड़े टाइम ही चलता है। और थोड़ा सा ही बनाते हैं, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाए और फिर ताज़ा ताज़ा बना लेते हैं। तो सीज़न में बहुत बार ये बन जाता है। और मसाला जब हम बनाएंगे तो थोड़ा अधिक ही मसाला बनाएंगे। और आम को हम रखने के बाद खीरे को भी अच्छे से एकदम उसका तीता हटा के इसको काट लेंगे। खीरा की जगह अगर हम ककड़ी यूज़ करते हैं तो वो भी अच्छा रहता है। और ककड़ी में पानी थोड़ा कम होता है तो वो जल्दी से सूख भी जाता है। खीरे को पोषेंगे और फिर इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। और इन सारी चीज़ों को हमें दिन भर धूप में दिखाना होता है कि खीरा का थोड़ा सा नमी जो पानी है वो सूख जाए। और अदरक मिर्ची बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको डालें, वरना इसके बिना भी हम इसको बना सकते हैं, स्वाद में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। और चलिए अब ज़रा धूप में रख के आते हैं इन सारी चीज़ों को, आम को और खीरा ककड़ी को। तब तक मसाले वगैरह भी तैयार कर लेते हैं। राई है ये, 4 चम्मच के करीब राई मैंने ली है। मेथी दाना 1 चम्मच, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच ये जीरा है। कुछ खड़े मिर्चें हैं। तो एक पैन में हम मिर्चा को हल्का सा गरम कर लेंगे कि वो थोड़ा अच्छे से पिस जाए। अगर मिर्चा बिल्कुल सूखा है तो गरम करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और उसी पैन में हम मेथी, सौंफ और जीरा को भी भून लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखा है मैंने और हल्के इस पे धीमे धीमे इसको बस खाली इतना गरम करना होता है कि अच्छे से ये ग्राइंड हो जाए और जो नमी होती है मसालों वगैरह की वो ख़त्म हो जाए। तो एक एक करके सारे मसाले भून लेंगे। मंगरैले को हमें पीसना नहीं है तो मंगरैला अलग एक कटोरी में रख लेते हैं। और सेम पैन में अब हम थोड़ा सा तेल भी गरम कर लेंगे। तेल में से जब धुआं उठने लगे तो तेल को हम बंद कर देंगे। खीरा ककड़ी अब शाम को देखिएगा सूख गया है, और अभी भी ये बहुत ज़्यादा नहीं सूखता है लेकिन सूख गया है। तेल हमारा बिल्कुल ठंडा है तो ठंडे तेल में ही हम डालेंगे खीरा वगैरह को। और नमक हल्दी डालेंगे केवल खीरे के हिसाब से, क्योंकि नमक हमने आम में डाल के रखा है पहले से ही। तो अब इसको एक बार मिक्स करते हैं और जो मसाले वगैरह हमने बना के रखे हैं ना वो सब ऐड करेंगे। और ये जो चना और आम का कूचा है हमारा, ये आप देखिएगा कि चना फूल गया है। तो ये खट्टा खट्टा चना खाने में बहुत अच्छा लगता है, खासकर दोपहर में दाल चावल के साथ ये अचार खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना होगा। उसी कढ़ाई में हम मसाले और कूचा वगैरह को भी डाल देंगे। राई मैंने थोड़ा अधिक ही भुना था तो पूरा मसाला नहीं डालेंगे, करीब करीब आधा मसाला मैंने डाला है, आधा स्टोर करके रख लेंगे। और इसमें हम भुना हुआ मंगरैला डालेंगे। अगर तेल कम लग रहा हो इस टाइम में तो हम थोड़ा सा तेल और डाल सकते हैं। और कंटर में भी जो हमारा जार है इसमें भी हम सरसों का तेल अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। हालांकि ये अचार बहुत दिन नहीं चलता है, फिर भी हमें जो अचार के लिए बेसिक्स होते हैं कि गीला हाथ नहीं लगना चाहिए, गीला चम्मच नहीं लगना चाहिए, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ता है। तो बस अब हम इसको कंटर में भरेंगे और इसको सर्व करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं, थैंक यू।